हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका KVS का जो एग्ज़ाम हुआ था, PRT का यहाँ पे पेपर है। टोटल 150 क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आप मिला लीजिएगा। अगर आपके 90+ आ रहे तो आप कहीं ना कहीं सेफ है और इंटरव्यू की तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या है। पहला क्वेश्चन आया था अपोजिट। अपोजिट मीन्स कि फैक्ट का अपोजिट क्या होगा। फैक्ट का अपोजिट होगा फिक्सस, ठीक। सेकेंड जो क्वेश्चन है कि इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर टू दिस क्वेरी। तो इट इज़ हाई टाइम के साथ हमेशा भर्ब का दूसरा रूप आता है, तो यहाँ पे सेंट नहीं होता बल्कि सेंट होता है, ठीक है, सेंट। तो यहाँ पे इस पार्ट में गलती था। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं, इधर साइड में भी देख लेते हैं कि हिज परफॉर्मेंस इन हिज ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब कम ज्ञान वाला, तो शैलो इसका आंसर होगा करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स। यहाँ पे बोला गया कि बेस्ट एक्सप्रेस बताइए, मीन्स इसका जो बेस्ट एक्सप्रेस क्या होगा। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है कि वन हु होल्ड एस्टैब्लिश ओपिनियन, ठीक। यहाँ पे जो होगा सेवन में वो क्या होगा, वन हु होल्ड एस्टैब्लिश ओपिनियन, मतलब कि ऑर्थोडॉक्स मतलब कह सकते हैं कि परंपरावादी, रूढ़िवादी, ठीक। तो यहाँ पे ये होगा आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या गया देखा गया था, फिट बाई फिट्स एंड स्टार्ट। बाई फिट एंड स्टार्ट का मतलब होता है कि आपका यहाँ पे इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर होता है। और इसका भी मैंने वीडियो कई बार बनाया था आपको। और एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है अ स्टेटमेंट दैट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। यहाँ पे फर्स्ट वाला सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्थ में आते हैं कि नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड दैन द रॉबर्ट्स मेड गुड देयर एस्केप। अब फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में जो होगा नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड, ठीक। तो यहाँ पे नो सूनर डिड के साथ यहाँ पे अराइव नहीं होगा बल्कि यहाँ पे अराइव होगा, तो फोर पार्ट में आपका सही है, ठीक है। नो सूनर के बाद आपका डिड आता है, उसके बाद आपका यहाँ पे जो भर्ब का होगा पहला रूप होगा, ना कि थर्ड रूप होगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिलर में है। फिलर में देखिए क्या होगा कि ही डैश फॉर 5 आवर्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, आंसर होगा थर्ड होगा, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। अब चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सवाल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सवाल है, तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे फॉर सिंस का यूज़ होता है तो हमेशा हैज़ हैव का प्रयोग होता है और ही के साथ तो हैज़ बीन होगा, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, आई शैल हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इनवाइटेशन टू डिनर, ठीक। अब फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ में होगा आई हैव मच प्लेजर, सेकेंड वाला सही होगा यहाँ पे। आई शैल हैव मच प्लेजर नहीं हुआ बल्कि आई हैव मच प्लेजर, मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसा यहाँ पे बताने का कोशिश किया गया। छठा में आते, छठा में क्या होगा आंसर, यहाँ पे देखिए जो सिक्स में होगा आपका द हेड मास्टर डैश टू स्पीक टू यू, द हेड मास्टर डैश टू स्पीक टू यू। तो टेंथ में जो होगा यहाँ पे आंसर होगा वो होगा टू, द हेड मास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, ठीक है, मीन्स कि बात करना चाहता है, ठीक। तो वांट्स टू, इज वांटिंग टू यू नहीं होगा, वाज वांटिंग नहीं होगा बल्कि सेकंड में होगा आंसर। आइए फटाफट आगे देखते हैं। अब हिंदी पहला पार्ट तो था इंग्लिश का जो कि खत्म हो चुका, अब आते हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन के बाद फिर 10 क्वेश्चन हिंदी का। इलेवंथ में, इलेवंथ में क्या होगा, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य होगा, जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, सही है, इस बार फसल अच्छी होगी। बैठक का समय 4 बजे तक, 4:10 होगा। हम जा रहे हैं आप भी चलोगे, तो ये पार्ट में आपका गलत है, ठीक। जहाँ पे आपको लगे कि नहीं इस पार्ट में गलत है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। खून चैज, खून, अच्छा सुख चैन में कौन सा समास है, अच्छा सुख चैन में कौन सा समास है, ये आपको बताया गया है। तो यहाँ पे द्वंद समास की बात गई गई है, ठीक है। क्योंकि आप अगर कोई चीज़ जैसे दाल चावल रोटी भात इस से अगर करते हैं, इस तरह के वर्ड अगर एक साथ यूज होता है तो वो द्वंद समास होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि विद्वान की स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, फोर्थ में आ जाए इसका आंसर होगा। सिंह वन में रहता है, ठीक, सिंह वन में रहता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा आंसर, ये होगा अधिकरण कारक, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से अधिकार अधिकरण में, ठीक, अधिकरण में। तो यहाँ पे होगा 17 का 2। अब आइए 13 में आते हैं। 13 में क्या है कि सही वर्तनी वाले शब्द चुनिए, तो 13 का होगा 3, उज्ज्वल, उ आधा ज फिर पूरा व और ल, उज्ज्वल, ठीक। चलिए यहाँ पे हो गया। अब आते हैं 14 में, 14 में क्या होगा कि यहाँ पे 14 में होगा परिक्रमा शब्द में उपसर्ग बताइए, तो परिक्रमा शब्द में उपसर्ग जो होगा वो होगा परी, ठीक। अब यहाँ इधर देख लेते हैं,
इधर देख लेते हैं, जल्दी चलो रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसमें कौन सा विशेषण है? यहाँ पे क्रिया विशेषण होगा आंसर, ठीक है, क्रिया विशेषण। जल्दी चलो में जल्दी जो है क्या है? क्रिया विशेषण, क्योंकि जल्दी कोई क्रिया का विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, अब आइए, यहाँ तक तो हो गया। चलिए अब आते हैं 15 में, छाती पर सांप लौटना तो क्या होगा इसका आंसर? ईर्ष्या करना, किसी चीज़ को, किसी को देख लिए कि अरे बाप उसके घर में बहुत बड़ा अगर आया है फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन या कुछ ऐसा टीवी, तो हम लोग क्या करते हैं, कार जो भी हो, तो क्या हम लोग कि अगर उससे किसी ईर्ष्या होती है तो उसे कहते हैं छाती पर सांप लौटना। ठीक, अब यहाँ पे है कि निम्न में से कौन शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है, ये बताना है आपको। तो नव जो है पर्वत का नहीं है बल्कि ये आकाश का होता है, आकाश को नव कहते हैं। ठीक, बाकी भूदर शैल नग ये सब क्या है? पर्वत का है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे कि शाखा का बहुवचन क्या होगा? शाखा का बहुवचन होगा शाखाएं। ठीक, ये तो कॉमन सा था, तो ये हिंदी का पार्ट भी हो गया। अब आइए पार्ट टू में आते हैं, फटाफट देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे पार्ट टू में अब आपका आ गया समान ज्ञान और समसामयिक घटनाएं देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दीपा कर्माकर ने मर्सिव तुर्की में जुलाई 8, 2018 को जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जीता, किस इवेंट में उन्होंने यह पदक जीता है? तो इसका जो आंसर होगा फोर्थ होगा, वॉल्ट इवेंट। ठीक है, वॉल्ट इवेंट याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 पे, 22 में क्या कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो है आपका 22 का 3 होगा, उत्तराखंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस देश ने 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी की? 2018 में एशियाई खेलों की कौन सी देश मेजबानी की? तो ये होगा फोर्थ नंबर आंसर होगा इंडोनेशिया, सॉरी हाँ ठीक इंडोनेशिया। अब आइए 2017 का ज्ञानपीठ जो है सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो कृष्णा सोबदी को, और इन्हें हिंदी के लिए मिला। ठीक है, और 2018 की बात करें तो अमिताभ घोष को मिला है, अमिताभ घोष को मिला है, अमिताभ घोष को मिला है किसके लिए? अंग्रेजी के लिए, नोट कर लीजिएगा, एक एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। चलिए 25 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी चीन भारत बांग्लादेश से होकर बहती है? तो 25 का होगा 2, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पे 26 पे आते हैं, निम्न में से वह कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचय करने की संरक्षण का निर्माण अनिवार्य कर दिया है? तो आंसर होगा फोर्थ नंबर, तमिलनाडु। चलिए बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? तो इनका जो नाम है मोहम्मद यूनुस। ठीक, मोहम्मद यूनुस इनका नाम है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है? तो 28 का होगा वह निरपेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि जीएसटी भारत में कब प्रारंभ किया गया? ये कई बार क्वेश्चन आया भी है, रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, तो जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया? तो 30 में होगा आंसर बांदीव दरवाजा। ठीक भाई, 31 पे आते हैं क्वेश्चन पे, थर्टी वन में आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो देख रहे हैं मिरर है, तार्किक योग्यता है, रीजनिंग एबिलिटी, कि इसका जो मिरर इमेज क्या होगा? तो आंसर जो होगा 31 में वो होगा आपका तीसरा नंबर होगा। ठीक, अब आते हैं 32 में, 32 में आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि संख्या 3, 4, 5 का वही संबंध है जो संबंध 1, 2, 3 का संख्या 1, 4, 9 से है। तो संबंध संख्या 3, 4, 5 का वही संबंध बताइए, तो क्या होगा? आंसर होगा 32 का 4 होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसी तरह 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, इस तरह से ये लॉजिक पे आधारित है। अब भाई 33 में क्या उपयुक्त दो आकृतियों में से कुछ संबंध है? निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति समुच्चय को चुनिए जिसका संबंध वही संबंध है जो उपरोक्त आकृतियों का है। तो 33 में होगा इसका 2 नंबर आंसर। ठीक, चलिए सॉरी ये 2 वाला होगा, यहाँ पे क्लिक मैंने कर दिया, 2 ये होगा। ठीक है, चलिए मार्टिन 34 पे आते हैं, कुट भाषा जो प्रिंसेस को इन ECINPRTU लिखा जाता है तो उसी भाषा को SPICEJET को कैसे लिखेंगे? तो 34 का होगा 2 नंबर होगा। अब इसको आप खुद ही बना लीजिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन को बताना संभव नहीं है। 35 का जो होगा वो कौन सा आंसर होगा? 35 में इंदर का पुरुष का
पुरुष तथा सहेज एक स्त्री है। अच्छा, तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ नंबर आंसर होगा। ठीक, चलिए 36 में आते हैं, जहाँ पे बताने लायक हो वहाँ पे मैं बता दूंगा। 36 का होगा आंसर 3, हीटिंग होगा। यदि इन शब्दकोश को क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कहा गया है कि तीसरे स्थान पे कौन होगा, तो हीटिंग होगा। ठीक, 37 है कि कोई व्यक्ति घंटाघर से निकट खड़ा है, वह दक्षिण की ओर चला, पी बिंदु पर पहुंचता है फिर, जो कि घंटाघर से 8 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह क्वेश्चन को आप खुद बना लीजिएगा, आसान है, 2 किलोमीटर का आंसर होगा। नीचे दिए गए 4 शब्द में से अन शब्द 3 से भिन्न है, तो उस विषम शब्द को चुनिए। तो 38 में क्या होगा, 38 का होगा 3, सफ़ेद। फिर आते हैं 39 पे, 39 में क्या होगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है और इसका आंसर जो होगा 39 का 3। उसी तरह 40 का जो आंसर होगा ये भी 3 होगा। अब इसको सॉल्व करके तो बताना पॉसिबल नहीं है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब आइए यहाँ पे आते हैं कंप्यूटर साक्षरता में, मीन्स कि कंप्यूटर लिटरेसी का सवाल। 41 का क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय आईटी कंपनियां हैं। 41 का 4 होगा, HCL तथा TCS। ठीक, 42 पे आते हैं, निम्नलिखित में क्या समानता है। 42 का होगा 4, सभी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 का, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप और पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं। तो 43 का होगा 3, कीबोर्ड तथा माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 का, कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तथा इंजीनियरिंग है। तो 44 का जो होगा वो होगा आंसर आपका 4, ए और बी दोनों। ठीक, एमएस वर्ड में थिरोसिस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो 45 का जो आंसर होगा 4 होगा, शरणार्थी तथा विलोम शब्द के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, किसी डॉक्यूमेंट में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में किस विकल्प का उपयोग करते हैं। तो 46 का होगा 4, कट एंड पेस्ट करते हैं। ठीक, 47 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा फॉन्ट इनफैक्ट एमएस वर्ड पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। तो 47 का जो होगा 4 होगा, स्ट्राइक थ्रू। एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में डैश सबसे छोटा तथा डैश सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध है। तो 48 का होगा 3, 8 सबसे छोटा, 72 सबसे बड़ा। 9 में आते हैं, 49 में कि निम्नलिखित युग्म में दिए गए हैं, इसमें क्या करना है आपको, निम्नलिखित में कौन सा युग्म शेष से भिन्न है, कौन सा अलग है। तो 49 का होगा 3, केवल बी। आते 50 नंबर क्वेश्चन पे कि 50 में क्या होगा कि एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में किस विशेषता का उपयोग किया जाता है। तो 51 का होगा, स्लाइड ट्रांजिशन। चलिए वाते पार्ट टू, पेडागॉजी का सवाल है, निम्नलिखित में कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। 51 का होगा 3, सर्वजननी विद्यालय प्रणाली, सॉरी यहाँ पे क्लिक हो गई, ए बी डी। ठीक है, ए बी और डी। चलिए 52 पे आते हैं, 52 का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख स्कोर नहीं है, सरोकार नहीं है। तो 52 का होगा वो होगा 2 नंबर आंसर, शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना। 53 पे आते हैं, 53 में क्या होगा, 3 होगा इसका आंसर, नैदानिक परीक्षण। 54 का आते हैं, 54 में क्या होगा, 3 होगा आंसर, विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु। 55 पे आते हैं, 55 में क्या होगा, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि, 55 का होगा 2, वह विद्यार्थी की प्रश्न पूछने में सहायता करें। नेक्स्ट 56 में क्या होगा, 56 का होगा 2। 57 में क्या होगा आंसर इसका, 1 होगा। 58 में क्या होगा, प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्नलिखित किसका परिणाम है। 58 का होगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, 59 में व्यक्तिगत शिक्षा योजना निम्नलिखित से किस पर विचार आधारित नहीं है। 59 का होगा 4, योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। आते 60 नंबर क्वेश्चन पे, 60 में क्या होगा, सामान्यकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न से क्या है। 60 का एक होगा जेंडर भूमिका। 61 में जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला, समस्या की स्थिति का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में, 62 का आंसर क्या होगा, 62 का होगा 4th नंबर आंसर। ठीक, अब आते हैं 63 में, 63 में आपका जो होगा आंसर होगा 3 होगा। और 64 का अगर बात करें, 64 में जो आंसर होगा वो होगा 4। देखिए अब इसमें चूंकि ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर है सिंपल सा, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं जोर दे रहा हूँ, सिर्फ आंसर बता के निकल रहा हूँ।
अब इसमें कौन सा होगा, पहला नंबर आंसर होगा। ठीक, 66 की बात करें तो 66 में होगा फोर्थ नंबर आंसर। 67 की बात करें तो क्या होगा, निम्न में से किसके द्वारा अधिगमन अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जाता है, तो 67 का होगा 3, उपचारी अध्यापन। अब आते हैं 68 में क्या होगा, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सार्वजनिक सटीक परिभाषा क्या है, तो 68 का होगा 3, विद्यालय में संगठित अनुभव का पूर्ण सेट। 69 में क्या होगा आंसर, 2 होगा। और बाकी फिर आते हैं 70 पे, तो 70 में क्या होगा, 3 होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं भाग 2 जो कि संबंधित विषय से है। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं 71 से शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 71 की अगर हम बात करें तो इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है, मतलब पीताम्बर का कौन, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो 2 होगा कर्मधार। ठीक, उसी तरह 72 में आते कि खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है, 72 का 2, अमीर खुसरो को। ठीक, अब आते हैं 76 में, यहाँ पे देख लेते हैं कि रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य में भेद किस विकल्प में दिया जाता है, 76 का है वो है 2। तो क्या लोग तभी गिरते हैं जब असवन, हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी डैश है, तो जान फूकना, यहाँ पे क्या होगा, जान निकालना नहीं, जान फूक देते हैं अपने। ठीक है, दवाई का बहुवचन क्या होगा 75 का होगा 2, दवाइयाँ, दवाई का बहुवचन दवाइयाँ। अब आगे बढ़ते हैं 80 में आते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन में कि क्या होगा, पहला कि यहाँ पे कि संस्कृत मूल शब्द, मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आए हैं उसे क्या कहते हैं, तो 80 का जो होगा 1 होगा, तत्सम। चलिए अब 81 में आते हैं, फिर से इंग्लिश आ जाते हैं, राम डैश इज स्टडे, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टडे की बात की, जो यहाँ पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे पास्ट की बात हुई तो आंसर क्या होगा, हैज लॉस्ट होगा नहीं, और लूज होगा नहीं, लॉस्ट भी नहीं होगा, हैड लॉस्ट होगा, 81 का जो होगा वो होगा हैड लॉस्ट। ठीक, अब आते हैं 82 में क्या होगा, 82 का होगा 2 नंबर ऑप्शन, एडजेक्टिव नाउन कंजंक्शन वर्ब। ठीक, चूज द ऑप्शन इन विच ईच वर्ड इन द फॉलोइंग टेबल हैज़ बीन करेक्टली मैच्ड विद द रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ द स्पीच। ठीक है, तो ये फॉर्म क्या है, फॉर्म ही एडजेक्टिव है, फ्लक्स क्या नाउन है, और बट क्या कंजंक्शन, और कैन क्या वर्ब है। इसके पहले भी मैंने इसका काफ़ी सारा वीडियो बना रखा था। अब 86 में क्या होगा, 2, वी हैव नोन राम एंड सैम फॉर मेनी ईयर्स। ठीक, 87 की बात करें तो 87 में क्या होगा, अपोजिट क्या होगा 87 का, 1 होगा। ठीक, चलिए यहाँ तो हो गया, पॉपुलर का जो है, यहाँ पे पॉपुलर का जो होगा 87 में क्या होगा, अपोजिट ड्रॉ। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 83 में आते हैं, ही रूल्स लैस अ वास्ट एम्पायर। ठीक, 83 का क्या होगा, 83 में होगा 3, ही रूल्स ओवर अ वास्ट एम्पायर। 84 की बात करें तो 84 में क्या होगा, 84 में होगा 1, सीता हैज गॉट अ डाइस नाइस स्माइल। अब आते हैं 88 की बात करें, 88 में क्या होगा, 1 होगा, फोम। ठीक है, फोर्थ का जो सिमिलर मीनिंग होगा वो होगा फोम। 89 की बात करें, 89 का होगा 2, पैसिव। आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर, ये सेंटेंस क्या एक्टिव है कि पैसिव में है, तो बताया गया है पैसिव में होगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ के बात करते हैं 85 में क्या होगा, चूज द ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब मीनिंग अंडर द लाइन टर्न अप। टर्न अप का मतलब क्या होता है, कहीं पहुंचना, टर्न अप मतलब कहीं पहुंचना। अब 90 की बात करें तो 90 का होगा स्लोली एंड केयरफुली। इंच बाय इंच मतलब क्या होगा, इसका इडियम फ्रिज, इंच बाय इंच मतलब स्लोली एंड केयरफुली। अब आते हैं 91 में, अब 91 में क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, 91 का होगा 80 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे चाहे इंग्लिश वाले पार्ट में देख लीजिए, चाहे हिंदी वाले पार्ट में, दोनों में सेम ही रहेगा, क्या होगा 1। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से, मैथमेटिक्स थोड़ा स्टार्ट हो गया है, और मैथमेटिक्स जो कि आपका साइंस बेस्ड होगा, 92 का है, यहाँ पे 3 आंसर होगा, सही कथन को चुनिए, 93 में क्या होगा 3। ठीक, 94 की बात करें, कौन से अंग के द्वारा रक्त को सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है, तो 94 का होगा 1, हृदय के द्वारा। ठीक, 95 का जो होगा आंसर होगा वो होगा 3। 96 में कौन सा गलत है ये बताना है आपको, 96 का होगा 3। 97 में क्या होगा, 97 का होगा 2। 98 का क्या होगा, 98 का होगा 3। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी आंत की लंबाई, जो मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर। फिर 99 का क्या होगा, 4 होगा। अब आइए 99 के बाद 100 में क्या होगा आंसर होगा, वो होगा 4।
ठीक, आंसर क्या होगा, फोर, ए और सी केवल। ठीक है, चलिए अब 101 पे आते हैं। 101, 101 में क्या होगा, चार होगा, पृथ्वी पर जल के संसाधन कौन है, महासागर, हिम वर्षा, भूमिगत जल। अभी आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है 102 में, तो आंसर होगा फोर्थ नंबर आंसर, संतृप्त एसिलिक हाइड्रोकार्बन कार्बन यौगिक क्या है 103 का, वो होगा ब्यूटेन। 104 का आंसर जो होगा वो होगा वन। 105 की बात करें तो 105 का क्या होगा आंसर, वो भी वन होगा। 106 की बात हम करें तो 106 में क्या होगा, वन। 107 की बात करें तो 107 में होगा टू। 108 की बात करें तो वन होगा सोडियम का, जिसको सोडियम मतलब एन ए, सोडियम का क्या होता है एन ए 11, 281 इसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए इनमें से रवि की फसल कौन सी नहीं है, थ्री होगा काला चना। और 110 का आंसर क्या होगा, वाट सेकंड किसका मात्रक है, तो फोर, शक्ति का। ठीक, अब 111 की बात करते हैं, उस कोण का माप जिसका संपूरक उसके पूरक के चार गुने के बराबर है, तो ये आपका मैथमेटिक्स आ गया, 30 का आंसर होगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, संपूरक कोण और यहाँ पे जो कि कोण का माप है संपूरक उसके चार गुने के बराबर है, पूरक कोण के बराबर, पूरक कोण 90 डिग्री और 180 डिग्री होता है इसका। ठीक है, संपूरक कोण। चलिए 112 की बात करते हैं, 112 का आंसर होगा चार। 113 का जो आंसर होगा वो होगा चार, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। 114 का जो होगा चार। 115 में आते हैं, 115 में क्या होगा, 115 में होगा आंसर चार, यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू है। 116 में होगा तीन। 117 की बात करें तो 117 में होगा तीन, देखिए बताना पॉसिबल नहीं, यहाँ तो क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश किया हूँ, तो इसलिए एग्ज़ाम तो अब ओवर हो गया, अब इसको बताने से कोई फ़ायदा नहीं। 119 का होगा टू। ठीक, अब आते हैं 120 पे, तो 120 का होगा थ्री। 121 का होगा टू। 122 का होगा वन। 123 का जो होगा भी वन। 124 का होगा थ्री। 125 का क्या होगा यहाँ पे टू। 126 का होगा थ्री। 127 का होगा थ्री। 128 का होगा टू। 129 का होगा थ्री। 130 का होगा वन। बाद में मैं इसको पर्टिकुलर सॉल्व कर दूंगा मैथ को, और पर्टिकुलर उसको मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। 131 का थ्री। 132 का वन। 133 का टू। 134 का जो होगा वन। उस कटिबंध निम्नलिखित में किस अक्षांशों के बीच है, तो वो होगा पहला नंबर इसका आंसर होगा। अब यहाँ से आइए, ज्योग्राफी आ गया है। 135 का होगा, 135 का होगा फोर आंसर होगा। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिशत में कौन सा सही है, तो 31.16%। अब इसमें से 36 में कौन सा कथन सही है ये बताना है। 36 में होगा वन। 37 की बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित लिंग अनुपातों में भारत के लिए कौन सही है, तो 37 का होगा थ्री। अब आते हैं 138 में कि ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो 138 का जो होगा वो होगा फोर, सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। अब आते हैं नेक्स्ट 139 पे। 139 का होगा वन। 140 का होगा कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत की जनगणना जनसंख्या घनत्व का कौन दर्शाता है, तो होगा आंसर थ्री। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 141 का होगा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी चलाती है, तो होगा टू नंबर आंसर इसका होगा सार्वजनिक एजेंसी। देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित किस वर्ष आरंभ हुई थी। 142 का होगा आंसर थ्री, 1997 में। अब आते हैं 143 में, निम्नलिखित प्रक्रमों में से हास्ट और ग्रेबेन किसके द्वारा बनाए जाते हैं। 143 का होगा टू, भ्रंशरंग। 44 में आते हैं, 144 में आंसर होगा टू, भारत का मानक देशांतर के रूप में माना जाता है 82 डिग्री पूर्व। अगर एक डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा या चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल संख्या कितनी होती है। 145 का होगा वन,
नेक्स्ट आते हैं 46 में, समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं? तो समुदाय की भूमि को कहते हैं सार्वजनिक संपत्ति संसाधन। और 47 पे आते हैं, 147 में आंसर होगा 2। सब भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। 148 की बात अगर हम करें तो 148 का होगा 3 होगा, ठीक। कि दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेल लाइन रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकार संस्थानों से किसके पास अधिकार होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। और पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह में सम्मिलित होता है? तो 149 का 3। और लास्ट का है क्वेश्चन क्या होगा? वो होगा 3। गाइस तो कोशिश किया हो कि जल्दी जल्दी जितना हो सके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करा दूँ, ये चीज़ बताना था। और कहीं कहीं हो सकता है कि बोलने में टूटी होगी तो उसके लिए सॉरी। और कुछ क्वेश्चन जैसे कि क्वांट के हैं तो उसको मैं सॉल्व करा के मीन्स कि उसको पर्टिकुलर एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।